अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पहलवानों के समर्थन में हजारों किसान मौजूद हैं। यहां राष्ट्रीय महिला एकता संगठन से कुछ महिलाएं आई हुई हैं। आइए पूछते हैं, समर्थन देने के लिए आई हैं, आइए पूछते हैं कि उनका क्या विचार है इस बारे में। जी बताइए। पकड़ू मैं रिया किन्नर, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं मतलब हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं पहलवानों को, और ये इतने दिन से धरनारत हैं, इनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमने हमारे मुजफ्फरनगर में भी ज्ञापन भी दिया था, सरकार के नाम दिया था, और उस टाइम पे तो इनका इससे सुप्रीम कोर्ट से ये भी हुआ था ऑर्डर कि इनका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, अरेस्टिंग होगा, FIR होगा। तो इनका FIR भी हुआ है फोस्को एक्ट में, मगर अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। उस टाइम पे ये ब्रजभूषण जी अपने पद पे थे, पद से तो हटा दिया गया, मगर पद से हटाने से क्या होता है, जब तक उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनके हक की लड़ाई तो हम सबको लड़ना पड़ेगा। जी धन्यवाद। जिस तरह से जनता का साथ अभी पहलवानों को मिल रहा है आज के दिन, और आपने सुबह तस्वीरें भी देखी होंगी जंतर मंतर से कि उन सबको डिटेन कर लिया गया, जैसे कि साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, तो इस तरह मतलब ब्रजभूषण को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन महिलाओं को, महिला पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो सिर्फ ये हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और क्या नाम, ये तो सही नहीं है, मगर ये उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अरेस्टिंग होना चाहिए था ब्रजभूषण का, जबकि उनका अरेस्टिंग नहीं हुआ, महिला पहलवानों का ही अरेस्टिंग कर लिया गया। क्या महिलाओं ने ही रेप किया था? आजकल महिला ही रेप करने लगी, या महिला ही आदमियों को छेड़ने लगी? अरे अगर किसी किन्नर का बोले तो जगह सिर भी है, और मैं तो नहीं जान सकती है, क्या महिलाएँ आदमी को छेड़ने लगी? मतलब जो छेड़खानी कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, वो तो जेल के बाहर है, और जो पीड़ित है, जो महिला है जिसका शोषण हुआ है, वो जेल के अंदर है। ये कैसा न्याय है इस राम राज्य में? जिस तरह से न्याय में देरी हो रही है, तो क्या आम जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर उनको न्याय मिलेगा तो जनता को ये भी विश्वास रहता है कि हाँ, आजकल मतलब जो हमारा संविधान है वो जिंदा है, ऐसे तो संविधान की मार है। आज तो उसने महिला खिलाड़ियों को छेड़ा है, कल के दिन वो किसी और को भी छेड़ेगा, उसका भी रेप करेगा, और उसको पता है उसको कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आप समर्थन लेने के लिए, तो क्या आपको न्याय की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई जिस तरह से किसान के साथ आ रहे हैं? न्याय की उम्मीद तो हम चाहते हैं, हमारे संगठन में 3,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, हमने ट्वीट भी किया है, लगातार हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर अभी अचानक से मुझे आना पड़ा है, तो हमें पूरी टीम तो नहीं है, मगर कुछ आए हैं हम, और हम पूरा समर्थन देंगे। हम चाहते हैं कि उसका अरेस्टिंग हो, और जो कानून में हो वो होना चाहिए। हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे कि भाई भाजपा ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, या आप ऐसी है, हम तो ये चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो उनको अरेस्टिंग करे, जो पीड़ित बेटी है उसको न्याय मिले, और वो तो स्वर्ण पदक जीत के लाते हैं भारत के लिए, अपने देश के लिए, तो वो नाम करते हैं, तो जो नाम करते हैं उनको इतना मजबूर क्यों कर दिया गया है कि वो यहाँ पे बैठे अपना काम छोड़ के, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, और जो बल्कि जो ब्रजभूषण को अरेस्टिंग करना चाहिए था, कर लिया महिला पहलवानों को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल लड़कियाँ तो लड़कों का काम कर रही हैं, और जो लड़के हैं वो लड़कियों का काम कर रहे हैं। ये न्याय है यहाँ का ना, अभी आगे आगे देखते हैं और क्या होता है।